हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आप लोग के साथ अपना मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ऑन कैमरा मेकअप किया है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे अप्रिसिएट करिएगा और मेरा वीडियो को फुल देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो गाइज चलिए मेकअप शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने लिया है डाबर गुलाबरी गुलाब जल, जिसे मैंने एक कॉटन के हेल्प से अपने फेस पे लगा रही हूँ। मैं इसे अपने फेस पे पूरा लगा लूँगी। ये हमारे फेस स्किन को हाइड्रेट करता है। तो गाइस अब मैं ले रही हूँ लैक्मी का एलोवेरा जेल और ये प्राइमर का वर्क करता है। मैं इसे भी अपने फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। और प्लीज़ गाइज, अभी मुझे मेकअप करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत मेकअप सीखी हूँ। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिएगा गाइज। अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मैं इसे भी अच्छे अपने फेस पर अच्छे से मिला लूँगी। आप लोग चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने एक वीडियो में इसका रिव्यू भी किया है। तो गाइस अब मैं ले रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये भी बहुत अच्छा क्रीम है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ। और मैं एक मटर के दाने भर इसे लेकर अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो इसे भी बाय कर सकते हैं, अच्छा क्रीम है ये। और मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट लैक्मे का ही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे वही सही लगता है। मैं इसे भी अपने फेस पर अच्छे से मिला रही हूँ। प्लीज़ गाइज आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करिए। अब मैं लैक्मे का सीसी क्रीम ले रही हूँ, ये फाउंडेशन का वर्क करता है। और अच्छा कवरेज भी देता है। इसे भी अपने फेस पर अच्छे से मिला लूँगी। अभी मेरे पास कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, इसलिए मैं अपने उंगलियों से ही इसे अच्छे से मिला रही हूँ। जब मार्केट जाऊँगी तो एक ब्यूटी ब्लेंडर ख़रीद लूँगी। तो गाइज मैं सीसी क्रीम को थोड़ा सा अपने नेक पर भी लगा रही हूँ ताकि फेस और नेक का कलर डिफरेंट ना लगे। अब मैं ले रही हूँ लैक्मे का फेस पाउडर और फेस पाउडर को भी मैं कॉटन पैड से अच्छे से फेस पर लगा लूँगी। फर्स्ट टाइम मैंने ऑन कैमरा मेकअप किया है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसा मेकअप किया है। अब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए आप लोग, अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं लूँगी आई शेडो। मैं एक ब्रश के हेल्प से आई शेडो अपने आँखों पर लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं अब ये अच्छा खासा पिगमेंटेड है। ये ADS का आई शेडो है, आई शेडो पैलेट। और अब मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का लिक्विड आईलाइनर और मैं आईलाइनर अब लगा रही हूँ अपने आई पर। तो गाइज मैंने आईलाइनर दोनों आँखों पर लगा लिया है, देख सकते हैं आप लोग। मैं हमेशा विंग आईलाइनर लगाती हूँ। अब मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा और मस्कारा भी मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ अपने पलकों पर, आप लोग देख सकते हैं। और ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है, मैं हमेशा इसे ही यूज करती हूँ। आप लोग क्या यूज करते हैं आप लोग भी बताइएगा। और प्लीज़ मैं फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही हूँ ऑन कैमरा, तो प्लीज़ आप लोग ये भी बताइएगा मैंने कैसे किया। अब मैं ले रही हूँ फेसेस का काजल और ये काजल काफ़ी अच्छा है, स्मज प्रूफ भी है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, आप लोग देख सकते हैं। गाइज मैंने अब आई मेकअप अपना कंप्लीट कर लिया है और अब मैं अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले, लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप को मॉइस्चराइज ज़रूर करें।
मैं अभी हुडा ब्यूटी का रेड कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा ब्लश लेकर ब्लश ब्रश से लगा रही हूँ अपने चीक पर। ब्लशर लगाते वक्त हमेशा मुस्कुराकर ही लगाइएगा। और अब थोड़ा सा लूज पाउडर से मैं अपना मेकअप सेट कर ले रही हूँ, पूरा फेस पर लगा ले रही हूँ अच्छे से। अब मैं एक ब्लू कलर का पेंडेंट पहन रही हूँ, अपने साड़ी से मैचिंग, बॉर्डर से मैचिंग है। तो गाइस प्लीज आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसा मेकअप किया है। मैंने एक ब्लू कलर का इयररिंग पहन रही हूँ। तो गाइस देख लीजिए मेरा फाइनल लुक, मैं आप लोग को अपना फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैंने फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा कैसा मेकअप किया है। और मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।